दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर लटकन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने कपड़े कट कर लिए हैं और आपको अभी इसका साइज बता देती हूँ। ये मैंने रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं। और मैं अभी आपको बताती हूँ कितना इंच मैंने चौड़ा कपड़ा लिया है। देखिए ये 5 इंच के आसपास हमारा ये क्लॉथ है चौड़ाई, और सेम 5 इंच हमारी लंबाई है। ये चौकोर पीस है। इसी तरह मैंने ये 3 कलर लिए हैं और ये दो दो पीस कट कर लिए हैं। अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाएं। तो देखिए हम कपड़े को क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रायंगल जैसा हो गया है। अभी हम इसकी गुलाई देते हैं। तो गुलाई देने के लिए फिर से आप इस तरह से फोल्ड कर लें जिससे कि आपकी गुलाई बराबर से बैठेगी। तो देखिए हमारे पीस इस तरह से तैयार हो गया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर किनारे पे पहले पीको करेंगे। पीको करने के बाद फिर फ्लावर बनाएंगे। इसी तरह मैं इन पीसों को भी गुलाई दे देती हूँ। तो देखिए पहले हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, उसके बाद जो ये ड्राफ्ट है आप इसी को रखेंगे तो आपके एक ही साइज़ के फ्लावर्स तैयार होंगे। देखिए ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो देखिए जो ये पीस हमने कट किए हैं अभी हम इनको पीको कर लेते हैं। तो देखिए ये उसके लिए मैंने प्रेशर फुटर चेंज कर लिया है जो कि इससे हम पीको करते हैं, और यहाँ से हमें स्टार्टिंग से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये मैंने सारे पीस इस तरह से पीको कर लिए हैं, और अभी आपको बताते हैं फ्लावर कैसे बनाएं। और देखिए ये मैंने 3 मोती लिए हैं, 2 एक कलर का लिया है और 1 येलो कलर लिया है। और ये मैंने जो डोरी ली थी रेडीमेड, और इस डोरी में हम ये मोती डालेंगे। तो पहले नीचे पिंक डाल देंगे एक। और इसके बाद अभी हम येलो कलर डाल देंगे। और देखिए अब फिर से एक जो बचा है पिंक उसको डाल देते हैं। तो देखिए मैंने 3 मोती इस तरह से डाल दिए डोरी में, और अभी हम इनके फ्लावर बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए नीडल में 2 थ्रेड डाल दिया मैंने डबल में, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए रेडी कर दिया। अभी हम एक ब्लू लेते हैं, इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पर इसके साथ ही स्टिच कर देते हैं। अभी देखिए एक और लेते हैं, जो येलो कलर लिया है हमने इसको भी इसी तरह से फोल्ड करते हैं, और इसको भी यहीं पर स्टिच कर देते हैं। तो देखिए इस तरह का फ्लावर हो गया है। अभी हम इसमें डोरी भी अटैच करते हैं। तो डोरी को हम बीचों बीच इसके स्टिच कर देंगे, जो दिखनी भी नहीं चाहिए और हमारी ये डोरी सेट भी हो जानी चाहिए। देखिए इस तरह से इसको टाइट कर लें। और देखिए उसके बाद हमारी ये मोती इस तरह से इसके पास आ जाएंगे यहाँ पे, और इस धागे को हम यहीं से यहीं इसको अंदर की तरफ टांका लगा के निकाल देते हैं। तो देखिए ये इस तरह का फ्लावर हो जाएगा, ये 3 कलर। आप इसमें और भी ज़्यादा कलर लेना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा कलर लेते हैं, और इसी तरह मैं ये पीस भी तैयार कर लेते हैं। तो
तो देखिए ये टसन हमने बना दिए हैं और ये देखिए तीन मोती हमारे इस तरह से आएंगे और ये थ्री कलर के इस तरह के दोनों टसन हमने तैयार कर दिए हैं। और आप इसको ब्लाउज या कुर्ती किसी में भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर टसन आ रहे हैं, शासन तरीके से सुंदर से टसन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।